एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 11 इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक एरोप्लेन नॉर्थ साइड की ओर उड़ता है और उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन की ओर एरोप्लेन गया ए से सी की ओर और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम 1.5 आवर मीन्स 3/2 आवर। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। दोनों एरोप्लेन के बीच डिस्टेंस हम मान लेंगे x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन। फर्स्ट एरोप्लेन ने 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होगी 1000 टाइम 3/2 1500 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एरोप्लेन फार्मूला वही स्पीड इनटू टाइम। सेकंड एरोप्लेन की स्पीड है 1200 इनटू टाइम 3/2 1800 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम में ए से बी फर्स्ट एरोप्लेन का डिस्टेंस हमने 1500 लिख दिया और दूसरे एरोप्लेन का डिस्टेंस ए से सी की ओर लिख दिया 1800। अब ये बन गई राइट ट्राइंगल ए बी सी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वेयर और परपेंडिकुलर है 1500, बेस हो गया 1800। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1500 प्लस 1800 स्क्वेयर। 1500 स्क्वेयर कितना होता है 225 एंड टेट्रा जीरो। 1800 स्क्वेयर कितना होता है 324 एंड टेट्रा जीरो। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 549 टेट्रा जीरो। स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट हो जाएगा 549 का फैक्टर बना लेंगे 3 × 6 और टेट्रा जीरो यानी कि 10000 के फैक्टर बना लेंगे 100 × 100 3 × 100 स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 12। देर आर टू पोल्स ऑन ग्राउंड एंड देयर हाइट इज 6 मीटर एंड 11 मीटर। AD इज फर्स्ट पोल हाइट 6 मीटर। BC इज सेकेंड पोल हाइट 11 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ देयर पोल। पोल की जो टॉप है उनके बीच में हम डिस्टेंस x मान लेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट जो पोल्स के फीट हैं यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में डिस्टेंस ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन BC। उससे ABMD एक रेक्टेंगल बन जाएगी बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है देयरफॉर DM इक्वल टू AB 12 मीटर। AD इज इक्वल टू BMC 6 मीटर। CM अब CM कितना होगा 11 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो CM मिलेगा हमको 5 मीटर। अब ये CMD एक राइट ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर यानी कि 5 स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर यानी कि 12 स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169 स्क्वेयर का हो जाएगा स्क्वेयर रूट। एक्स इज इक्वल टू रूट 169। एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर। व्हाट इज एक्स डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री इट इज गिवन एंड डी एंड ई आर एनी पॉइंट ऑन ए सी एंड बी सी। टू प्रूव ए स्क्वेयर ए से ई को मिला देंगे प्लस बी डी स्क्वेयर बी से डी को ज्वाइन कर देंगे
इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, डी और ई को भी ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ए ई स्क्वेयर है ये पड़ता है राइट ट्राइंगल ए सी ई में, इसमें ए ई हाइपोटेन्यूज है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए ई स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। उसके बाद हम देखेंगे बी डी स्क्वेयर को, बी डी पड़ता है राइट ट्राइंगल डी सी बी में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बी डी एक हाइपोटेन्यूज है, बी डी स्क्वेयर इक्वल टू डी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर टू, वन और टू को हम ऐड कर देंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर को एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस सी ई स्क्वेयर और डी सी स्क्वेयर को एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर और प्लस बी सी स्क्वेयर को डायग्राम में देखें, ये पढ़ते हैं राइट ट्राइंगल ए बी सी में, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वेयर के, तो ये आ गया ए बी स्क्वेयर। उसके बाद सी ई स्क्वेयर एंड सी डी स्क्वेयर, इसको डायग्राम में देखें, सी ई एंड सी डी स्क्वेयर ये पढ़ते हैं राइट ट्राइंगल डी सी ई में, तो सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर इक्वल टू होगा डी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।